हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 10 का फाउंडेशन बैच शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं लेक्चर लेकर आया हूँ बेसिक्स ऑफ साइंस के ऊपर। कुछ लोगों का आदत होता है, जब भी आप उनके पास जाओगे तो कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे व्हाट इज साइंस, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है और आप लोग उसका जवाब नहीं दे पाते होंगे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आपका खिंचाई करते होंगे। तो आज मैं आपको साइंस का डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद आप बच जाओगे। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज जूलॉजी, व्हाट इज बोटनी। तो आज मैं आपको उसी सब का डेफिनेशन बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये सब कुछ लोग पूछ देते होंगे, तो मैं आपको आज वो भी बता दूंगा। उसके बाद कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि साइंस के फादर कौन है, फिजिक्स के फादर कौन है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है। बायोलॉजी को अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका फादर कौन है जूलॉजी का, बॉटनी का फादर कौन है। तो आज मैं आपको उसी सब के बारे में बताऊँगा और आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का सिलेबस भी बताऊँगा, क्या क्या पढ़ना है आपको क्लास 10 में। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आप लोगों को नया कॉपी निकालना है और नया कॉपी में हेडिंग डालना है बेसिक्स ऑफ साइंस। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट लेक्चर इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको साइंस के बारे में बहुत सारा चीज़ बताऊँगा और सिलेबस भी बताऊँगा क्या क्या पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए अलग अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। कॉपी में हेडिंग डालिए बेसिक्स ऑफ साइंस। बेसिक्स ऑफ साइंस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर साइंस होता क्या है। हेडिंग डालिए साइंस। देखो भाई, हम लोग लैब में जाते हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, सब आपके नज़र के सामने होता है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट कैसा है बताइए, रियल है, ऐसा नहीं है कि फर्जी सा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वो आपके नज़र के सामने हो रहा होता है। उस एक्सपेरिमेंट से आप लोग बहुत सारा चीज़ सीखते हो, बहुत सारा चीज़ ऑब्जर्व करते हो, तो उसके बारे में भी आपको साइंस में पढ़ाया जाएगा। और ये जो आप एक्सपेरिमेंट किए, जो ऑब्जर्व किए, उसी को अगर सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब एक ऑर्डर वे में जब पढ़ाया जाएगा, उसी को साइंस बोलते हैं हम लोग। और जितना भी चीज़ आपको बताया जाएगा, टोटल चीज़ प्रूवन होगा। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। साइंस क्या होता है? द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, जो कि रियल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होना चाहिए, मतलब वो लैब में प्रूवन होना चाहिए, बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंट। अगर वो रियल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं है, साइंस नहीं होगा, समझ गया? बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंट मतलब आपको मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा क्लास 10 में, वो टोटल चीज़ रियल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होगा और उससे आप लोग बहुत सारा चीज़ सीखोगे। समझ आया साइंस क्या होता है? द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट्स बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंट, और उससे आप लोग बहुत सारा चीज़ ऑब्जर्व करोगे, उसी को हम बोलते हैं साइंस, नोन एज साइंस। एक बात जानते हो, साइंस का मतलब ही होता है जानना, ठीक है। साइंस में आपको हमेशा जानने का इच्छा रखना होगा कि आखिर ये चीज़ ऐसा क्यों होता है, आपके दिमाग में क्यों सवाल हमेशा आना चाहिए, ठीक है। जैसे प्लांट के पत्ता का कलर ग्रीन कलर का होता है, क्यों होता है, ठीक है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, आता है कि नहीं? आना चाहिए, क्यों होता है बताओ, बताओ कमेंट बॉक्स में। क्लास 9th में पढ़ना था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 में, लाइफ प्रोसेस में। तो आपको जो भी चीज़ साइंस में पढ़ाया जाएगा एकदम सच सच होगा,
क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है जानना, एकदम सही सही चीज़ जानना। तो साइंस का मतलब क्या है? साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्ड साइंसिया। साइंस एक वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? जानना, विच मीन्स टू नो, जानना या नॉलेज गैदर करना। समझ गया? ये के है, समझ रहे हो ना? एल सी जैसा लगता है, के है, समझ आया? साइंस का मतलब क्या होता है? जानना और नॉलेज गैदर करना। एक बात जानते हो, साइंस जो होता है ना हमेशा एडवांस हो रहा होता है। साइंस हमेशा एडवांस हो रहा होता है। जैसे पहले कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर से क्या आया बताइए? छोटा वाला फ़ोन आया, छोटू सा फ़ोन, उसके बाद बड़ा वाला फ़ोन आ गया, समझ में आया? लैपटॉप है आज, बड़ा बड़ा कंप्यूटर है, बहुत सारा चीज़ है, समझ आया? तो साइंस क्या हुआ? एडवांस हुआ, कैलकुलेटर से निकल के आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। तो साइंस इज ऑलवेज एडवांसिंग, साइंस हमेशा एडवांस हो रहा होता है, इवन बदल भी रहा होता है टाइम टू टाइम, समझ गए? तो चेंजिंग में नहीं लिखता हूँ, एडवांसिंग लिखता हूँ, ठीक है? एडवांसिंग लिखना ज़्यादा सही रहेगा, समझ गए? अब हम लोग देखते हैं कि आखिर साइंस कितने टाइप्स के होते हैं। आपको नोट करना है, कर लीजिए, कर लिए नोट? आगे बढ़ता हूँ। हेडिंग डालिए कॉपी में छोटा सा, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। साइंस को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, दो पार्ट में तोड़ते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट्स में। सबसे पहला है आपका रियल साइंस और दूसरा है आपका स्यूडो साइंस। रियल मतलब जानते हो, ऐसा साइंस जो सच में नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं रियल साइंस, एकदम रियल वाला साइंस जो आपको पढ़ना है। अभी कौन सा साइंस के बारे में आपको पढ़ना है? ऐसा साइंस जो नेचर में एग्जिस्ट करता हो, जिसको हम नेचुरल साइंस भी बोल देते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो साइंस, साइंस को ही रियल साइंस बोल दिया जाता है। स्यूडो का मतलब जानते हो? स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है नकली और फर्जी। ऐसा साइंस जो रियल ना हो, उसको हम बोलते हैं स्यूडो साइंस, जो है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस आपका रियल साइंस नहीं है, समझ गया? ये स्यूडो साइंस है। अब ये नहीं कि सोशल साइंस आपको पढ़ना ही नहीं है, सोशल साइंस भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सोशल साइंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आगे, समझ रहे हो? इतिहास पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझ गए? अगर आप UPSC वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको अभी से ही पढ़ना चाहिए सोशल साइंस, अगर इन फ्यूचर में करना चाहते हैं तो। बहुत सारा बच्चा करना चाहता है, ठीक है, और वो जब पूरा ग्रेजुएशन कर लेता है तब वो जाता है ये पढ़ने, हो नहीं पाता है। तो उससे अच्छा है आप अभी से ही पढ़िए, अगर आगे प्लानिंग है आपका तब। चलिए आगे बढ़े, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो रियल साइंस के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए अब हम लोग रियल साइंस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। रियल साइंस, रियल साइंस का दूसरा नाम क्या है बताइए? नेचुरल साइंस। क्यों बोलते हैं नेचुरल साइंस? बिकॉज एग्जिस्ट इन नेचर, समझ गया? क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, साइंस एग्जिस्ट इन नेचर, सही है, समझ गया? तो नेचर में क्या क्या एग्जिस्ट करता है? तो नेचर में लिविंग चीज एग्जिस्ट करता है या नॉन लिविंग एग्जिस्ट करता है, समझ गया? जैसे हम लोग लिविंग है, कुत्ता क्या है? लिविंग है। बिल्ली क्या है? लिविंग है। सांप क्या है? लिविंग है। चिड़िया क्या है? लिविंग है। और स्टोन क्या है? नॉन लिविंग है। मार्कर क्या है? नॉन लिविंग है। बोर्ड क्या है? नॉन लिविंग है। तो हमारे चारों तरफ या तो लिविंग चीज़ एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नॉन लिविंग एग्जिस्ट करता है। नेचर में वही एग्जिस्ट करता है ना भाई, लिविंग चीज़ या नॉन लिविंग चीज़, ठीक है, समझ गया? अगर आप लिविंग चीज़ का स्टडी करोगे, स्टडी करोगे किसका? लिविंग चीज़ का, स्टडी ऑफ
लिविंग बॉडीज, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं बताइए? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बॉडीज। इसमें जो भी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा सब लिविंग रहेगा, समझ गए? या इसी का एक और नाम भी होता है, अगर आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो बायोलॉजी का दूसरा नाम भी होता है, बायोलॉजिकल साइंस। किस नाम से आपको बुक्स मिलेगा बताइए? बायोलॉजिकल साइंस। आप गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हो, समझ गए? आपका जो बायोलॉजी है ना, इसको अगेन दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, ठीक है भाई। हमारे चारों तरफ क्या है? या तो एनिमल्स है, नहीं तो प्लांट्स है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, समझ गए? तो अगर आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करोगे, जू, जू में क्या रहता है? एनिमल्स। अगर एनिमल्स के बारे में स्टडी करोगे, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अगर आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करोगे उसी को बोला जाता है जूलॉजी, समझ गए? स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। एक और साइंस का ब्रांच होता है बायोलॉजी का, क्या ब्रांच है? बॉटनी, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, समझ गए? बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर है? बहुत बेसिक सा चीज था। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपका जो बायोलॉजी होता है ना, इसको हम लोग ना साइंस ऑफ एक्सेप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ एक्सेप्शन। ये बहुत ही गोल्डन पॉइंट है, याद रखिएगा, स्टार पॉइंट है। बायोलॉजी नोन एज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बायोलॉजी में ना एक्सेप्शन हर जगह भरा पड़ा होता है। मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि ये कैरेक्टर ऐसा होता है, उसी टाइम पढ़ाऊंगा और उसी टाइम आपको एक्सेप्शन भी सर पे ला दूंगा, समझ गए? कि एक्सेप्ट ये वाला चीज़। तो बायोलॉजी में एक्सेप्शन भरा पड़ा होता है, उसके बाद केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन होता है, लेकिन बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा होता है, समझ गए? क्लियर है? अब आपका जो नॉन लिविंग चीज़ होता है, नॉन लिविंग, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉन लिविंग चीज़ ना दो चीज़ से मिलके बना होता है, या तो मैटर, नहीं तो एनर्जी। क्या चीज़ से बना होता है बताइए? मैटर, नहीं तो एनर्जी। मैटर क्या होता है सभी लोगों को पता है, जिसके पास मास होता है और जगह छेकता है वो मैटर है। हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, वही क्या है? मैटर। तो अगर आप मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ोगे उसको बोला जाता है फिजिकल साइंस। क्या बोला जाता है बताइए? फिजिकल साइंस। अगर आप नॉन लिविंग के बारे में पढ़ोगे, नॉन लिविंग मीन्स मैटर और एनर्जी के बारे में, उसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, समझ गए? अब जो आपका फिजिकल साइंस होता है, अगेन इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं बताइए? दो पार्ट्स में। पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है आपका फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या होता है? अगर आप मैटर के बारे में स्टडी करोगे, मैटर, मैटर मतलब समझते हो, जैसे मार्कर क्या है? मैटर है। अगर आप इस मैटर के बारे में स्टडी करोगे, आखिर ये मार्कर बना क्या चीज़ से है, तो क्या चीज़ से बना बताइए? एटम से मिलकर बना है। तो एटम्स के बारे में स्टडी करोगे केमिस्ट्री में आएगा। एटम्स फिर फर्दर क्या चीज़ से बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है, प्रोटॉन से बना है, न्यूट्रॉन से बना है। ये सब पढ़े हो ना क्लास नाइन्थ में, या पढ़े ही नहीं थे? नहीं पढ़े होगे मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी मैं पढ़ाने जाता हूँ वहाँ पे पूछता हूँ बच्चों से, तो सब बोलता है नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप भी नहीं पढ़े होगे। खैर कोई बात नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा तो अभी से भी कवर हो सकता है, समझ गए? तो अगर आप मैटर के बारे में स्टडी करोगे, जैसे मार्कर के बारे में, मार्कर के अंदर क्या क्या चीज़ है उसके बारे में, कोई भी केमिकल है, केमिकल भी क्या है? मैटर है, क्योंकि मास से जगह छिपता है।
तो अगर आप उस केमिकल के बारे में स्टडी करोगे, जैसे कार्बन क्या है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या होता है पता है ना सभी लोगों को। अरे छोड़ो ये सब में नहीं घुसते हैं, ये नाइन्थ वाला चीज़ है, छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है। तो अगर आप मैटर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर, उसी को बोला जाता है केमिस्ट्री। और फिजिक्स क्या होता है, जैसे मान लो ये मार्कर है, मैटर है, आप इस पे एनर्जी लगाए, क्या लगाए, एनर्जी लगाए, फोर्स लगाए, तभी आगे जाएगा। तो ये मैटर और एनर्जी किस तरीके से आपस में इंटरलिंक है, किस तरीके से इंटरेक्ट है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इंटरेक्शन मतलब जुड़ा हुआ, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। और बिटवीन को हम लोग B/W भी लिख देते हैं, समझ गए। और भी फिजिक्स का कुछ कुछ डेफिनेशन होता है, जैसे आप क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे बताया जाएगा स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर नोन एज फिजिक्स, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति का जो नियम है उसके स्टडी को हम लोग बोल देते हैं फिजिक्स। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट पढ़ना ज़रूरी है, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, आपसे लोग पूछ पूछ के परेशान कर देते होंगे, ठीक है। रब कर दूं, चलिए अब आगे हेडिंग लगाइए, जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है बताइए, केमिस्ट्री के फादर लावोजियर, कौन है बताइए, लावोजियर। इनका नाम आप सुने होइएगा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 में, केमिस्ट्री में, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बताइए, एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी अगेन एरिस्टोटल ही है, समझ गया, फिर से एरिस्टोटल ही है। और फादर ऑफ बॉटनी एक एरिस्टोटल के ये स्टूडेंट थे, वही है फादर ऑफ बॉटनी, कौन है, एरिस्टोटल के स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस, क्या नाम है बताइए, थियोफ्रेस्टस, समझ में आया, थियोफ्रेस्टस नाम है, ये एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे, समझ गया। अब और भी कुछ कुछ टर्म है, जैसे क्या हो गया, फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फादर ऑफ फिजिक्स बताइए, फिजिक्स के फादर कौन है बताओ। देखिए फिजिक्स का फादर अगर आप सर्च करोगे ना तो अलग अलग साइट पे अलग अलग साइंटिस्ट का नाम आएगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ नाम यहाँ पर आपको लिख कर देता हूँ, जैसे ज़्यादातर साइट पे आपको न्यूटन मिलेगा, कुछ साइट पे आपको गैलीलियो का नाम भी मिल जाएगा, ठीक है, कुछ साइट पे आपको आइंस्टीन का भी नाम मिल जाएगा, सर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, तो आप तीनों में से कोई भी बता सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअल में मॉडर्न फिजिक्स के फादर है, मॉडर्न फिजिक्स, समझ गए, मॉडर्न फिजिक्स आपको क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है, एटम्स, न्यूक्लिया, इस सब के बारे में पढ़ना है, समझ गए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि नहीं इस तीनों में से एक ही बताओ, तो न्यूटन का नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फादर ऑफ साइंस, देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा लफड़ा है, ठीक है।
अगर कोई बायो का स्टूडेंट रहेगा तो वो बोलेगा कि इनका नाम बताओ, किसका बताइए, एरिस्टोटल का। कोई फिजिक्स का स्टूडेंट रहेगा वो बोलेगा नहीं, गैलीलियो का नाम बताओ। तो जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो गैलीलियो मिलेगा, लेकिन किसी किसी साइट पे आपको एरिस्टोटल भी मिलेगा। तो मैं इनका नाम भी आपको लिख कर दे देता हूँ। तो केमिस्ट्री का जो बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं, लावाजियर का भी नाम लिखो, तो इनका भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग साइट पे अलग अलग नाम आपको मिल सकता है, कुछ साइट पे इवन ये भी मिल जाएगा। अगर कोई बोलेगा नहीं एक ही नाम बताओ, तो ये बताइएगा गैलीलियो, इसमें न्यूटन। समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। जैसे CBSE का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ लोग पूछ लेते हैं और बच्चा फंस जाता है, क्या होता है बताइए। सिंपल सा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये सब आपको भी पता होना चाहिए, समझ गया। जैसे और भी कुछ सवाल है, जैसे NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये सब आपको याद कर लेना है, समझ गए, ताकि आपका बेइज्जती ना हो कहीं पर जाकर, समझ गए, क्लियर। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए अब हम लोग क्लास 10 के साइंस के सिलेबस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो क्लास 10 में साइंस में टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ना है, 16 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, जो कि तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। और NCERT में एक ही बुक्स आएगा, मतलब एक ही बुक आएगा, और अलग पब्लिकेशन में जाइएगा तो तीन बुक्स आएगा, ठीक है, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, समझ गए। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में है। तो सिलेबस में मेनली आपको तीन पार्ट में तोड़ के दिया जाएगा, अगर दूसरे पब्लिकेशन का बुक खरीदिएगा NCERT छोड़कर तब, ठीक है। हालांकि मैं बुक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, आपको बता दूंगा कि किस किस बुक्स को आप पढ़ सकते हो, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस आपका मेनली तीन पार्ट्स में क्लासिफाई है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सबसे पहले केमिस्ट्री का डेफिनेशन बताइए, स्टडी ऑफ मैटर, समझ गए। सिलेबस आपको पहचानना भी आना चाहिए, ठीक है, कि ये चैप्टर किस पार्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, साइंस के किस बुक्स में मिलेगा वो भी पहचानने आना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं इसी डेफिनेशन के थ्रू पहचानना भी सिखा दूंगा, समझ गए। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन ये है, फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है बताइए, स्टडी ऑफ, नहीं याद है तो देखकर बताइए, इंटरेक्शन बिटवीन, बिटवीन को हम लोग शॉर्ट में B/W लिख देते हैं, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, उसको फिजिक्स बोलते हैं। बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करोगे देन वो बायोलॉजी है, समझ गया, क्लियर। चलिए जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर वो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, वो चैप्टर क्या है बताइए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए केमिकल के बारे में बातचीत होने लगा, ऑफकोर्स केमिस्ट्री का होगा, समझ गया। सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड्स, NCERT का बता रहा हूँ, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अगेन ये चैप्टर केमिस्ट्री का है क्योंकि एसिड के बारे में बात हो रहा है, मैटर है, समझ गए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तीसरा चैप्टर है, केमिस्ट्री का ही है,
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा चैप्टर है आपका कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। समझ गए? ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। पांचवा चैप्टर जो है वो चैप्टर है आपका पीरियोडिक, समझ गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। समझ गए क्या नाम है चैप्टर का? बस चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वहाँ पे पता लगेगा जब पढ़ाऊँगा तब। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, समझ गए। उसके बाद कुछ चैप्टर आपका बायोलॉजी का दे रखा है, ठीक है। जैसे लाइफ प्रोसेसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि मैं पिछले साल भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस पिछले साल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लेक्चर हो गया था, आई थिंक 18 लेक्चर हो गया था, बहुत बड़ा बड़ा था लेक्चर। हालांकि इस बार कोशिश करूँगा शॉर्ट करने का, इवन कर भी दूँगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला जो चैप्टर है अगेन आपका बायोलॉजी का है, वो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जिसमें आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना है, समझ गए। ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, हार्मोन के बारे में भी पढ़ना है, समझ गए। उसके बाद आठवां चैप्टर जो है अगेन आपका बायोलॉजी का है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, समझ गए। आठवां क्या चैप्टर है बताइए, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, समझ गए, मतलब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, क्लियर। उसके बाद नौवां चैप्टर जो है वो आपका है हेरिडिटी, ठीक है, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपका कुछ कुछ मतलब प्रॉपर्टी मम्मी पापा से रिजेंबल करता होगा, मतलब मैच करता होगा, तो वो होता क्यों है, हेरिडिटी की वजह से, समझ गए, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद और भी चीज़ पढ़ना है आपको इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। इवोल्यूशन मतलब आदमी कैसे बना, आदमी बंदर से बना, क्या इसके पीछे स्टोरी है, वो सब आपको पढ़ना है। हालांकि बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन आपको क्लास 12th में पढ़ना है, समझ गए। अगर आप बायोलॉजी लीजिएगा तो आपको वहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है ना, अगला चैप्टर वो आपका फिजिक्स का है, समझ गए। फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, क्या है बताइए, लाइट। लाइट में आपको दो चीज़ पढ़ना है, सबसे पहला है रिफ्लेक्शन, ठीक है, मिरर पे लाइट टकराएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन दूसरा टॉपिक पढ़ना है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, जैसे हवा एक मीडियम, शीशा एक दूसरा मीडियम, हवा से लाइट शीशा में घुसेगा, रिफ्रैक्शन, समझ गया। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, कहाँ बताइए, कहाँ पढ़ना है, इसमें, समझ गया, 10 में। उसके बाद 11वां चैप्टर जो है वो है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें आपको आँख के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आई के बारे में, आई का स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, आई वर्क कैसे करता है, आई के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, क्या क्या पार्ट्स है, समझ गया। उसके बाद रेनबो कैसे फॉर्म करता है, ठीक है, इस सब के बारे में आपको मैं इसमें मेनली बताऊँगा, समझ गए। उसके बाद अगला चैप्टर फिर इसी पार्ट से है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चैप्टर है, समझ गए। जैसे अगला चैप्टर जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ गया, जिसको मैग्नेटिज्म हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी, समझ गए, क्या है बताइए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसके बाद दो चैप्टर और दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो इसी सीक्वेंस में दे रखा है, समझ गया, मैं तोड़ तोड़ के भी बता दिया, समझ गए। एनसीईआरटी में एक और चैप्टर दे रखा है बायोलॉजी का, वो चैप्टर है इन्वायरमेंट के बारे में, समझ गए, आवर इन्वायरमेंट, जिसमें फूड चेन इस सब के बारे में आपको पढ़ना है, समझ गए, आवर इन्वायरमेंट। उसके बाद एक और चैप्टर है 16 वाला, वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो है उसको किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यही है आपका क्लास 10 का सिलेबस, समझ गए।
केमिस्ट्री के बुक्स में आपको कितना चैप्टर मिलेगा, केमिस्ट्री का जब बुक खरीदिएगा तो 5 चैप्टर क्या क्या मिलेगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक, ठीक है। उसके बाद आप अगर फिजिक्स का बुक खरीदिएगा, एक चैप्टर कैसे केमिस्ट्री का है, क्योंकि केमिकल लग गया, एसिड मतलब मैटर है, समझ गया, मेटल्स मैटर है, कार्बन क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट्स का स्टडी भी केमिस्ट्री में ही आता है, और एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से अरेंज हम लोग करते हैं उसी चीज़ को बोला जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसका प्रॉपर्टी जब रिपीट करने लगता है तो उसको अरेंज करते हैं, कैसे कैसे करते हैं जब आपको मैं इस चैप्टर पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, समझ गया। बहुत सारा साइंटिस्ट का योगदान रहा इसमें, जैसे लाबोआइजियर का रहा, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स रूल आया, ठीक है, मेंडलीव अपना रूल दिए, उसके बाद नील बोर का कुछ रूल आया, समझ गया, उसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, समझ गया। उसके बाद आपको फिजिक्स में पढ़ना लाइट के बारे में, समझ गया, मैटर है और एनर्जी जुड़ा हुआ है, समझ गया, ह्यूमन आई मैटर है और एनर्जी लगता है तभी काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी मैटर एनर्जी, समझ गया, एनर्जी देते हैं तभी करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिना एनर्जी का नहीं होगा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी अगेन फिजिक्स का पार्ट है, लाइफ प्रोसेसेस किसका पार्ट है बताइए, बायोलॉजी का, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बातचीत हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा बॉडी कैसे कंट्रोल में होता है, प्लांट्स का बॉडी कैसे कंट्रोल में होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, समझ गए, हार्मोन्स के बारे में बताया जाएगा बहुत सारा चीज़ आपको। उसके बाद ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करता है, समझ गया, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारा मेथड आपको बताया जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, समझ रहे हो ना, ठीक है, पढ़ना है रिप्रोडक्शन में, अभी सबर करो, समझ गया। उसके बाद है हेरिडिटी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में। उसके बाद हम लोग आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो पर्यावरण है उसके बारे में, लिविंग है अगेन, और नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। यही आपका क्लास 10 का सिलेबस है। देखिए अलग अलग साल में ना सिलेबस थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है, बट आपको ना टोटल चैप्टर्स पढ़ना है, समझ गया। देखिए कोई कोई चैप्टर का कुछ कुछ टॉपिक हटा देता है हर साल से बीएससी, समझ गया, कभी कभी पूरा भी रहता है, तो मैं आपको टोटल चीज़ पढ़ा दूंगा और आप भी टोटल चीज़ पढ़ लेना, उसके बाद जो जो टॉपिक हटा रहेगा उसको कट करके हटा देना, उसको नहीं पढ़ना, लेकिन एक बार आप हर चीज़ को पढ़ लेना, समझ गया, नहीं तो आपको आगे दिक्कत होगा, समझ गया, समझ गया, आगे दिक्कत होगा, अभी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा चीज़ है लेकिन बाद में आपको दिक्कत होगा, समझ गया। चलिए यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग पहले चैप्टर के साथ, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।